तो हे गाइज, आज की एक और न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गाइज, ने इंस्टाग्राम में किसी को ब्लॉक करना चाह रहे हो या फिर गलती से ब्लॉक हो गया तो उसे आप अनब्लॉक करना चाह रहे हो तो कैसे उसको ब्लॉक कर सकते हो एंड गाइज कैसे उसको अनब्लॉक कर सकते हो, आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो उसके लिए गाइज, अगर आप भी किसी को ब्लॉक करना चाह रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेना। अगर गाइज इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप जान पाओगे कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर किसी को ब्लॉक कर सकते हैं एंड गाइज उसको ब्लॉक है तो उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। गाइज आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो देख रहे हो ना उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर नहीं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन की घंटी ऑल पे सिलेक्ट कर लो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखकर फायदा उठा सको। और हाँ गाइज, अंतिम में कमेंट भी कर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, देख सकते हो कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ से गाइज आप एक कमेंट जरूर कर देना। तो अब चलिए मैं आपको बताते हैं कि अगर इंस्टाग्राम के अंदर किसी को ब्लॉक करना चाह रहे हो या फिर किसी को गलती से ब्लॉक कर दिए हो तो उसको अनब्लॉक करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम का होम पेज आ चुका है। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे में कोने में आपको प्रोफाइल फोटो दिख जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो उसके बाद गाइज अब यहाँ पे आपको ऊपर में 3 लाइन देखने को मिल जाएंगे तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो उसके बाद फिर आपको सेटिंग शो हो जाएगा तो सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। यानी कि कुल मिला के आपको सेटिंग के अंदर चलाना है। अब सेटिंग के अंदर आने के बाद गए अब क्या करना है, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद गए यहाँ पे आपको क्या करना है क्या स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा लेकिन देख सकते हो प्राइवेसी करके, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो ना उसके बाद गए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे गए आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा ब्लॉकेड अकाउंट्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो ना उसके बाद गए आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर जितना को ब्लॉक किए हैं सारा यहाँ पे शो करने लग जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है तो इसी तरह से आपका भी शो कर रहा होगा अगर आप ब्लॉक किए हैं तो। तो गाइज मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप किसी को ब्लॉक किए तो अनब्लॉक कैसे कर सकते हो। तो गाइज अगर किसी को आप ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, उसके जस्ट बगल में आपको अनब्लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। अनब्लॉक पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर आपको अनब्लॉक पे फिर से क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करते हो तो देख सकते हो वो जो बंदा को मैंने ब्लॉक किया था वो बंदा अब यहाँ से अनब्लॉक हो चुका है। तो इसके इंस्टाग्राम के अंदर भी किसी गलती से ब्लॉक हो जाता है तो उसे आप यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अनब्लॉक हो गया। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे अगर किसी को ब्लॉक करना चाह रहे हो तो ब्लॉक कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज आपको सिंपल तरीका क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जिसको आप ब्लॉक करना चाह रहे हो ना उसके जस्ट बगल में आपको ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद गाइज आपको फिर से ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक इसका हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप जिसको चाहे उसको ब्लॉक कर सकते हो या फिर गलती से किसी को ब्लॉक कर देते हो या फिर जानबूझकर ब्लॉक कर देते हो फिर चाहते हो कि नहीं इसको अनब्लॉक कर दें तो यहाँ से गाइज फिर से अनब्लॉक कर सकते हो, जो कि गाइज बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दो। अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन की घंटी ऑल पे सिलेक्ट कर दो। अगर अभी तक अपने फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं किया तो फटाक से जाकर शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।